Hey everyone. So today we are going to discuss a new topic which is very useful for you for your future exams or classes. Okay. So our next topic is biomolecules. Biomolecules. Bio means living thing. जब हम किसी जिंदा चीज की बात करते हैं तब हम किस वर्ड को यूज करते हैं? बायो को. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं से मिलकर हमारे सारे सब्सटेंस वगैरह बने हैं. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. इफ दे आर रिलेटेड टू लिविंग देन वी कॉल देम बायो. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फ्यू बायो मॉलिक्यूल्स इन आवर बॉडी विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैज अ लार्ज कंपोनेंट इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी ज्यादातर कुछ सब्सटेंस कुछ मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है जो हमारी बॉडी में हाईएस्ट अमाउंट में मिलते हैं. द कार्बन कंपाउंड्स वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कॉल्ड बायो मॉलिक्यूल्स. द मेन कंपाउंड्स आर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड अदर ऑल्सो देयर बट वेन यू टॉक अबाउट बायो मॉलिक्यूल्स वी कंसिडर दैम मेनली. यू ऑल नो दैट प्लांट एनिमल्स सबके सब में कार्बन का बहुत मेन रोल होता है. ये बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उनका बेस होता है. कुछ हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड. फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस एंड सल्फर. आप सबने पढ़ा होगा कि डीएनए में हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स होते हैं. तो अगर फॉस्फोरस नहीं होगा तो वो बॉन्ड्स भी नहीं होंगे. इसीलिए हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. अब बायोमोलिक्यूल्स की हमें स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब सेल अपनी कोई भी फंक्शनिंग करती है इट यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन. फ्रॉम वेयर दिस प्रोटीन हैज प्रोड्यूस्ड? द मेनी साइंटिस्ट हैव कंक्लूडेड दैट इट इज विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. इट मे बी produced by our own body or when we eat some food they come from there. Okay, really we have 20 types of amino acids which are mainly used for the production of proteins. Hum jab proteins ki baat karte hain to amino acids number mein bahut hai par hum hamesha essential protein and non essential proteins bolte hain. To wo hamari kitni hoti hain? 20 in number. Ab अमाइनो एसिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो हमें पता होने चाहिए एंड इट्स वेरी यूजफुल फ्रॉम द व्यू ऑफ एग्जाम्स. फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स को मीथेन सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो एसिड्स भी बोलते हैं. व्हाई? बिकॉज द मेन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स इज मीथेन. व्हेन देयर इज अ चेंज इन द नेम और द कंपोजिशन ऑफ अ अमाइनो एसिड्स इज जस्ट बिकॉज द चेंज ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप ऑन इट्स पोजिशन विच इज नोन एज फंक्शनल पोजिशन. जो चेंज होते हैं अमाइनो एसिड में वो होते हैं हाइड्रोजन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के और आर ग्रुप. आर ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है पर वो मेनली हमारा कार्बन ग्रुप ही होता है. हमारी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पर आपको अमाइनो एसिड के ग्लाइसिन एलेनिन सेरीन. इन सब में एक बेसिक चेंज सिर्फ ये है कि जो अमाइनो एसिड का मेन ग्रुप है मतलब फंक्शनल ग्रुप है वहां पर हमने यहाँ जो हमारे हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इनमें से चेंज कर करके लगा दिए हैं. उसकी वजह से इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर फंक्शंस हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं. जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं या फिर कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं दैट दे हैव कैपेसिटी टू ट्रांसफर देयर जनरेशन फ्रॉम वन टू अनदर तब हम मेनली किस किस एसिड की बात करते हैं? डीएनए एंड आरएनए. व्हाट इज दैट डीएनए? डीएनए इज deoxyribose nucleic acid and RNA ribose nucleic acid. Let me give you some other knowledge also is that the difference between DNA and RNA is the presence of OH group at the second position of the sugar molecule. So up to now it's enough for you. Other things we will discuss in later classes. If you like it then please share it and subscribe it. Thank you.